हेलो 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 आइए। कमेटी ने जैसा निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है। सुबह का समय है, सभी लोग सामने आ जाए और गीत सुनना। हमें भी नहीं मालूम कि इस गीत को लिखा किसने है दादा, लेकिन डायरी में लिखा है। अच्छा, हेलो, एक गीत आया था हेलो। अरे जो जो प्यार कर गए कमेटी का सदस्य हो या कहीं का भी कोई भी व्यक्ति हो, दुर्गा पूजा में जाता है बड़े अरमान अपने दिल में लेकर के जाता है। कहता है कि माता रानी मेरी इन अनंत इच्छाओं को पूरी करना। सभी इच्छाओं को लेकर के माता जी के दरबार में जाता है, लेकिन जो घर में माँ है उस पे कोई ध्यान नहीं देता है, उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो एक बात कहनी है मंच के माध्यम से, कि दिया जल जिसने उसको जन्म दिया है, कितना दिया जन्म जिसने उसको भुलाना ही पाप है। अरे ऐसी भोली माँ को जिस माता ने तुमको 9 महीने अपने कोख में रखा, उसकी कदर नहीं घर में। और यहां आते हो पुष्प माल चढ़ाते हो और 9 दिन पूजन और अर्चन करते हो, व्यर्थ है। ऐसी भोली माँ को भुलाना ही पाप है। ध्यान से सुनिएगा मंच का, मैं ध्यान अपनी ओर चाहूंगा क्योंकि ये फ्री चक्र का गीत है। सुनिएगा कि आंखों में जिसने आंसू के आदरणीय दादाजी सुनेगा कि आंखों में जिसने आंसू के अरे मोती नहीं दिया
तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। आंखों में जिसने आंसू के अरे मोती नहीं दिया, वही पुत्र अरे तुमने उसे दो रोटी, अरे तुमने उसे दो रोटी और धोती नहीं दिया, धोती नहीं दिया, धोती नहीं दिया। तुमको जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में पाला है, उसके बाद में तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दिया, तुम्हारी हर खुशी पे अपने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, तो और तुम आकर के उस मां को छोड़ करके यहां पे अगर आते हो तो कहना है तो इस दुर्गा मां पे चूनर रहो, इस दुर्गा मां पे चूनर अरे चढ़ाना ही पाप है, इस दुर्गा मां पे चूनर चढ़ाना ही पाप है, और अपनी भोली मां को और पाप क्या है, पाप है क्या, क्या है, अरे रखा है 9 महीने महीने अरे जिसने संभाल कर और जब तुम कमाने लगे तुम्हारा घर बस गया, तुम्हारी शादी तुम्हारा ब्याह हो गया, फिर अरे क्या मिला है तुमको घर से जिस माँ ने तुमको 9 महीने की कोख में रखा और जब तुम कमाने लगे, जब तुम उस लायक बन गए, परिवार चलाने में सक्षम हो गए, उस समय तुमने उस माँ को निकाल दिया, अनाथ आश्रम में दिया, तो पाप क्या है, तुम माता पिता को घर से माता पिता को घर से भगाना ही पाप है, और अपनी भोली माँ को रुलाना ही पाप है, भोली माँ को रुलाना ही पाप है, अंतिम बात सुनिएगा, अंतिम और आखिरी अंतिम बात सुनिएगा, अरे पाला है दूध सीने का, सीने का अरे किसने पिला पिला, जिसने पिला पिला, जिसने पिला पिला, अरे पाला है दूध सीने का जिसने पिला पिला,
समय भी उसको संतोष न मिला, संतोष न मिला, संतोष न मिला। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिला करके और बड़ा किया है, पालन पोषण किया है, अगर वो जब उसका स्वर्गवास हो रहा है उस समय अगर उसको शांति नहीं मिली तो पाप क्या है? अरे पाला है दूध सीने का जिसने पिला पिला, और मरते समय भी उसको संतोष न मिला, संतोष न मिला, संतोष न मिला। तो पाप क्या है? पाप है सुबह आप जगते हैं और कहते हैं कि चले शंकर जी को दूध चावल चढ़ा कर आ जाए, तो पाप है। तो शिव जी को दूध चावल, शिव जी को दूध चावल चढ़ाना ही पाप है, और अपनी भोली माँ को, अपनी भोली माँ को रुलाना पाप है। और ये भैया श्री प्रदीप यादव जी कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, आपकी ओर से 101 प्रति मुद्राएं प्रदत्त हुई है माता रानी कल्याण करें अंग संग्रह। कि दिया जल जिसने उसको रुलाना ही पाप है, और अपनी भोली माँ को रुलाना ही पाप है। जय टाइम हो गया दो बोल, कोई राष्ट्रीय गेट हो तो काट लो, पड़ दो राष्ट्रीय गेट चलिए लखनऊ जी हो, तो तुम लखनऊ का अंग्रेजी हो, सीधे पर निकल जाओ। आइए सुबरन भैया की एक बात है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। फिल्मी गाना एक आया था जो बहुत पसंद है भाई साहब, अच्छा सीता गान को तो उससे ज्यादा पसंद है। क्या बात है, अरे नदिया किनारे, अरे नदिया किनारे हेराए आयु कंगा, कि ऐसे उलझ गए, ऐसे उलझ गए अनारी सलमा, नदिया किनारे हेराए आयु कंगना, नदिया किनारे हेराए आयु कंगना, ऐसे उलझ गए